यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं और आज है आपका प्यारे साथियों 23 अक्टूबर के दिन, तो 23 अक्टूबर के दिन क्लास 9th का इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका क्लास 9th का इंग्लिश का 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लास 9th का 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र को देखेंगे और साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेंगे आज के पेपर में। और प्यारे साथियों इसी प्रकार से आप ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है आगे आपका नवंबर मंथ में, तो नवंबर मंथ में भी इस चैनल पर मैं आपका ओरिजिनल पेपर अपलोड करूंगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। ये आपका समय की बात करें तो 1 घंटा 30 मिनट का आपको प्यारे साथियों समय दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपका फुल मार्क की 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। प्यारे साथियों आपको बता दें कि इसका मैथ का मैंने ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दिया, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। कल हम लाइव आकर पूरे प्रश्न का सोल्यूशन कर दिए थे, तो वो वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल चलिए अभी हम लोग क्लास 9th का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का प्रश्न को देखते हैं और साथ ही साथ इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। और प्यारे साथियों आपको बता दें आगे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसमें अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप करेंगे, तो आपको इसका क्लास 9th का आपका इंग्लिश का बिल्कुल जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 100% ओरिजिनल पेपर, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इसी पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी का उत्तर रहने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर रहेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका सब्जेक्टिव का भी उत्तर रहेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं, उसके साथ साथ सभी प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, उसके साथ साथ तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका क्लास 9th का इंग्लिश का। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्यारे साथियों आपका विषय कोड आपका 113 रहने जा रहा है, आपका यह सभी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें क्लास 9th का ऑल सब्जेक्ट का अर्थात की क्लास 9th का ऑल छात्र का सेम टू सेम यही पेपर देखेंगे क्लास 9th का। और जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पर आपके लिए ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूं, तो अक्टूबर मंथ में जो आपका पेपर हुआ तो अपलोड कर दिया है, पूरा आपका आज अंतिम एग्जाम है और उसके बाद आपका नवंबर में जो एग्जाम होगा तो नवंबर का भी पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को ओर चलते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव दिया गया है, 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 25% का आपको उत्तर देना है। तो चलिए प्यारे साथियों हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, युस्तेड बिस्मिल्लान खान के ब्रॉथ ऑफ योर इंस्टीट्यूटमेंट ऑफ सेनाई ऑन द, एक नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका प्यारे साथियों ऑप्शन बी अर्थात की मॉडर्न स्टेट, ए बाबर ऑफ द फेमस ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिक एंड रिव्यूज द, दोनों प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे पुंगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही का सभी प्रश्न का उत्तर नोट कर लेंगे, बिस्मिल्ला खान प्ले द गिली द डांडा नियर द पॉन्ड ऑफ द एंशियंट एंसर ऑफ डूमरेशन इन, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए बिहार। बिस्मिल्ला खान फादर वाज, बिस्मिल्ला खान के फादर थे पैगम्बर बख्श, ऑप्शन इसका हो जाएंगे डी। अगला यूस्टेड बिस्मिल्ला खान वाज ए, तो इसका उत्तर हो जाएंगे पास का ऑप्शन सी 21 मार्च के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 6 क्या करें, ऑफ विच द सिटीज ऑफ द मस्ट फंड, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों बनारस एंड डुमरांव। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, द सॉन्ड वाज ए सेनाई बिगेन द कंसिडर, तो 7 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन सी अर्थात SUPCS। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, बिस्मिल्ला खान द फर्स्ट ट्रिप द ब्रॉन्थ, इसका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अगला प्रश्न क्या है, इच्चो वाज ए इचो वाज इज, तो इसका उत्तर हो जाएंगे इचो कौन थे, तो इसका हो जाएंगे आपका 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए नाइफी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेरी नारिकस वसे द रिफ्लेक्शन हिज ब्यूटी, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 10 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे ऑप्शन ए अर्थात की हैंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 11 प्रश्न की ओर, 11 प्रश्न क्या करा है, ही ए पोइट ए सेल्फ इंडक्शन इज ए इंट्रोडक्शन इज ए, तो 11 प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएंगे निर्दम सुरेश। द हुमेन ए कन्फाइंड टू हर ओम एन, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल सही ऑप्शन ए हॉसबैंड। द हुमेन वाज ए बीन लिविंग विच हर द फॉर दी सेड, तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएंगे 13 नंबर का हॉसबैंड। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं पहले साथियों, यहाँ पर देखिए आपका 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, 14 नंबर प्रश्न आपके क्या कह रहा है, द पोर्ट ऑफ द मैच एक्स्ट्रो ऑर्डिनरली टू द कॉस्ट ऑफ, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे
ऑप्शन ए फ्यू ऑफ सैड ट्राइटियर। अगला प्रश्न 15 प्रश्न क्या कह रहा है, रजनी प्रेरण ऑफ हैज ए कंपोजिट द पोयम, तो 15 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों, नोट करेंगे ऑप्शन सी इज यू। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला 16 प्रश्न क्या कह रहा है, ए ट्री इन द वर्ड इज बिल्कुल सही, तो 16 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका हैकेड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 17, द माइंड इज केनो ऑफ द पीरियडिकमेंट इज, तो इसका उत्तर 17 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी करेंगे ट्री। द ऑथर वाज द टाइम ऑफ द नोट इज ए रिमेंस ए गर्ल इज इंटरेस्टिंग, तो 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात की फेस। 19 प्रश्न की ओर चलते हैं, द ऑथर वाज आस्क द कंपेयर, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 19 का नोट करेंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे ए लॉन्ग पेयर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 20 प्रश्न है, इसमत चौथाई वाज द मोस्ट रेगुअंस एंड, इसका उत्तर हो जाएंगे रेगुअंस एंड वो क्या थे, बिल्कुल से कंस्ट्रोवेरिशियल थे ना, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। फिर इन द ब्लैंक्स आपको इसमें से पियर द चेयरिंग इज ए प्ले ग्राउंड, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 21 का ऑप्शन टीम इन प्लेग्राउंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ए डॉट पैरोट फ्यू इन द स्काई कलेक्शन, तो 22 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे लुक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए आगे मैं आपको नंबर दे दूंगा, यहाँ पर आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करें और जल्दी से इसका PDF प्राप्त करें। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र रहने जा रहा है, इसका PDF लेने के लिए इस नंबर पर आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप जरूर कर देना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 23 प्रश्न क्या करें, लॉन्ग एट द कलेक्शन ऑफ नॉन, तो 23 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे प्राइड। ही वाज ए फैंटास्टिक इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ, तो 24 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी कलेक्शन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 25 फिल इन द ब्लैंक्स इन द ऑक्जेलिक वर्ब, इसमें ऑक्जेलिक वर्ब भरना है, व्हाट डॉट वाज ए, तो इसमें क्या होगा डू डज क्या होगा, तो 25 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका इसका हो जाएंगे 25 प्रश्न का बिल्कुल सही नोट करेंगे इसका हो जाएंगे हैव हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, 26 डॉट वाज ए ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए डू यू ड्रिंक एवरी डे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 27 प्रश्न क्या, ए डाइजेस्ट इन द स्पीड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 27 प्रश्न का ऑप्शन डी अर्थात की कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेंस ऑफ मेन अफेयर, तो 28 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका नोट करेंगे बिल्कुल से ऑप्शन सी अर्थात की एस्ट्रोलॉजी। अगला प्रश्न 29 प्रश्न की ओर चलते हैं, 29 प्रश्न क्या कर आपसे यहाँ पर, 28 प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे और था इसका ऑप्शन सी नोट कीजिएगा। चलिए 29 प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑस्ट्रो बिल्कुल सही है, 29 प्रश्न वन हु इज ए लाइक ऑ, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका सिविलाइज। अगला प्रश्न यूजिंग ए फ्यू वर्ड, तो 30 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 30 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन बी अर्थात के नियोगलिस्म। और इसी प्रकार से प्यारे साथियों मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन कर दिया, और इसी PDF में आपको ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर आप मिलेंगे, इसी प्रकार से आप देख पा रहे होंगे ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर दे दिया। तो चलिए इस PDF को आपको डाउनलोड करना सीख देते, इस PDF को डाउनलोड करना बेहद आसान है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो एक नंबर नोट कर लीजिए, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिए, जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तब तक इतना कार्य जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।